हाय गाइस वेलकम टू माय भिडी चैनल और आज मैं फटाफट आपको बताने वाली हूँ कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी से किया है ये मेकअप मैंने <laughs> तो चलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम क्विकली लेट्स गेट स्टार्ट और देखिए कैसे किया जाता है भिंडी से मेकअप तो यहाँ सबसे पहले गाइस मैं यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का सीरम है जो कि राइस वाटर सीरम है इसको यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी मेरे फेस पे ड्यू इफेक्ट देने के लिए क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ डल सी हो रखी है और इसको अप्लाई करती मेरी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है Uh, इसके बाद मैं यहाँ पे आज दो फाउंडेशन यूज़ करूँगी डेली लाइफ और 52 फिफ्टी का फाउंडेशन और मार्स का डेली लाइफ वाला डार्क है इससे मैं मार्स का मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मार्स का मैंने फेयर वाला शेड मंगाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों का कवरेज को, को, बहुत अच्छा लगा आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट है बट यू गाइस नो कि मुझे लाइट ही पसंद है मेरे फेस पे क्योंकि ऑक्सीजाइज नहीं होता है अच्छा से यहाँ पे ब्लेंड करूंगी ब्लेंड 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 और बहुत ही सीनलियसली ब्लेंड होता है ये फाउंडेशन गाइस आप इन दोनों में कौन का जरूर ट्राई करना अगर आपने अभी तक तो ट्राई नहीं किया है तो क्योंकि एक तो मैंने फुल कवरेज यूज़ किया है फाउंडेशन जो कि डेली लाइफ रे वो फिफ्टी टू का है और एक मैंने यूज़ किया है मीडियम कवरेज जो कि मार्क्स का है तो इन दोनों को जब जैसे ही मिक्स करके आप अप्लाई करोगे तो आप सोच सकते हैं कि आपका बेस कैसा होने वाला है कैसा बनने वाला है है ना क्योंकि ये एक्सट्रीमली फुल टू फुल कवरेज ही बनेगा कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं फ्लावर ब्यूटी का कंसीलर जो कि मुझे शेड याद नहीं है बट येस yes, ये येलो टोन में है ये शेड और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ अंडर नीट माई आईज इस बार मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ गाइज क्योंकि यू uh, नो you know, ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा मेकअप इसलिए थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ अच्छा से यहाँ पर ब्लेंड करूँगी और वाकई ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है मुझे ये भी पसंद है बट ये मेरा गो टू कंसीलर नहीं है गो टू आपको मालूम है मेरे कौन कौन से कंसीलर हैं ठीक है तो इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया और भाई साहब ब्यूटी ब्लेंडर इतना जबरदस्त है ना गाइस मुझे प्यार हो गया इस ब्यूटी ब्लेंडर से आप जरूर ले लो ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे से आप कंसीलर फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है कंसीलर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उसका टिप है ना उसके हेल्थ इतने अच्छे से कवर करता है ना फुली अंडर कवर कर देगा और कोई शिकायत नहीं होगी आपको इस ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही सॉफ्ट है स्पंजी है और इजिली यू नो कंसीलर फाउंडेशन को भी ब्लेंड कर देता है और मैं क्या बताऊँ आपको <laughs> नहीं है, इस आ, ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में बहुत ही अफोर्डेबल ब्यूटी ब्लेंडर मैंने सेल में लिया था नायका सेल में तो आप देख लेना अभी भी सेल होगी तो आप ले लेना क्योंकि अभी तो फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं फेस्टिवल आते रहेंगे तो जी हाँ नायका में सेल्स भी चलते रहेंगे आते रहेंगे ठीक है अब यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ वहाँ नींद मैं आइज़ फोर हेड पे फोर हेड पे बहुत ही ऑयलीनेस की प्रॉब्लम होती है आइज़ मुझे तो इससे मुझे वहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ता है एंड लेट पे भी अप्लाई कर रही हूँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रखी है तो इसलिए लेड पे भी करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि वहाँ से भी तेल निकलता है <laughs> तो ये यूजुअल एरियाज है यूज से तेल निकलता है स्वेट निकलता है तो वहीं पे मैं अप्लाई कर देती हूँ पाउडर को फुल फेस अप्लाई नहीं करती लाइक चीक्स करतीस नहीं चीक्स में नहीं नि, निकलता तो इसे वहां पे अप्लाई नहीं करती हूँ चिन पे निकलता है और लिप्स के ऊपर भी निकलता है कभी कभार वहाँ पे स्वेट ज्यादा निकलता है तो जहां जहां आपको लगता है कि तेल निकल रहा है और स्वेट निकल रहा है वहाँ आप लूज पाउडर को अप्लाई कर दो उससे क्या होता है कि सेट कर देता है आपके सीलर को और बिल्कुल एक मैट इफेक्ट देगा बिल्कुल भी केकी नहीं होगा बिल्कुल भी स्वेटी और ऑयली नहीं होगा और ये लूज वाटर बहुत अच्छा है ठीक है आईब्रोज कर रही हूँ यहाँ पे आईब्रोज के लिए मैंने मार्स का यूज़ किया है ब्लैक शेड यूज कर रही हूँ इस बार मैं मार्स का आईब्रो किट है जिसमें ब्लैक शेड मिलेगा लाइट ब्राउन शेड मिलेगा और एक और ब्राउन शेड है एंड बहुत ही लाइट कहते हैं ना कि शेड है इसमें जैसे स्विस ब्यूटी का है वैसे ही है ठीक है है बट ब्यूटी ब्यूटी से थोड़ा लाइट का मैं. का जो आई आई किट आज मेरा ब्लैक करने का मन कर रहा था तो उससे मैंने ब्लैक से फिल कर दिया अभी कुछ दिन पहले मैं ब्राउन से कर रही थी बट हाँ बाहर कहीं जाती हूँ मैं तो मैं ब्राउन से ही फिल करके जाती हूँ क्योंकि ब्लैक इज लाइक थोड़ा सा बोल्ड लगता है ठीक है वैसे वीडियोस के पर्पस के लिए वेडिंग वगैरह के लिए सही है ब्लैक बट फॉर नॉर्मल डे के लिए आई थिंक ब्राउन ज्यादा लगता है, आई के लिए सबसे पहले मैंने मस्टर्ड शेड लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन शेड ले रही हूँ और ये मैंने मार्स uh, का पैलेट यूज किया है जो कि बहुत ही अमेजिंग पैलेट है बहुत सारे शेड्स हैं इसमें ब्राइट शेड्स न्यू शेड्स ग्लिटर फ्लेक्स है ठीक है ग्रीन लिया देन यहाँ पे मैंने पिंक शेड लिया है और मैं शेड्स आपको दिखाना भूल गई वैसे आपको दिख ही रहा होगा है ना मेरे आईज में जो जो शेड अप्लाई कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ तो दिखाने की इतनी जरूरत तो है नहीं ना गाइस तो मैं भूल गई दिखाना ठीक है इसके बाद से मैंने येलो शेड लिया है और आ, वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ मैं पिंक शेड जो कि ब्राइट पिंक है उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ डार्क वाइन शेड उसके ऊपर ठीक है अब आ गई है भिंडी और ये भिंडी को मैंने कट कर दिया दो भिंडी लिए गई इस दोनों के साइज डिफरेंट है एक छोटी भिंडी है एक बड़ी भिंडी है छोटी भिंडी से पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ नीचे नीचे क्योंकि अः अच्छा लगेगा ना अगर छोटे छोटे से फ्लावर्स बने तो भाई बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स बन रहे थे यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो गई इस बार आई लुक में और ये क्रिएटिविटी वर्ड मतलब अच्छा लग रहा है इतना बुरा भी नहीं लग रहा बट हाँ ऐसे आई मेकअप हम कहीं करके नहीं जा सकते हैं। वैसे करके जा सकते हो आप अगर कोई आ, वैसे क्रिएटिव फंक्शंस में लाइक यू नो समझ गए ठीक है तो इसको अप्लाई कर दिया मैंने जल्दी जल्दी से सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए मैंने भिंडी में लगा के स्टैंप कर दिया ये अब यहाँ पे मैं वाटर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ जो कि वाटर प्रूफ मस्कारा है गाइज़ और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी फटाफट अब यहाँ पे मैं स्टोन अप्लाई कर रही हूँ और इसके पीछे मैंने पी का ग्लू यूज़ किया है गाइज़ वैसे अगर स्टिकर वाले स्टोन होते तो ज़्यादा ही होता है ये बहुत ही ज़्यादा मेसी एंड ट्रिकी हो रहा था मेरे लिए बट ठीक है कोई नहीं अब थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना गाइस भिंडी के लिए ही सही ठीक <laughs> है तो यहाँ पे मैंने स्टोन भी अप्लाई कर दिए हैं अब लैशेज अप्लाई कर रही हूँ एंड uh, वाकई गाइस मतलब मेरे को नहीं लगा था कि भिंडी से इतना अच्छा ही मेकअप हो जाएगा <laughs> मतलब फूल बन पाएंगे कभी दिमाग में आया नहीं बट ऑल ऑफ अ सडन दिमाग में आ गया कि चलो करके देखते हैं आप बताओ नेक्स्ट कौन सी सब्जी से करूँ मैं मेकअप कोई अच्छी सब्जी बता देना यार जो इजी सब्जी हो जिससे हाँ हो सकता है कुछ और सेम शेड्स यूज कर रही हूँ मैं बट दूसरी आँख पे मैं अप्लाई नहीं करूंगी भिंडी क्योंकि एक आँख में ही ठीक है दूसरी आँख में भी करूँगी तो फिर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो इसलिए मैंने सोचा कि रहने देते हैं एक में ही सही लग रहा है पॉलिसीज आप देख रहे हो फेक लैशेज गाइज जो मैंने अप्लाई किए बहुत ही नेचुरल है और इस तरह के नेचुरल वाले मेरे आंखों में अच्छे नहीं लगते पता नहीं मुझे तब पसंद नहीं आता आई जस्ट लव वाले ही bronzing कर रही फटाफट और के लिए मैंने स्विस्टी का यूज किया है पर ऊपर अप्लाई नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ डिज़ाइन बट ठीक है कोई नहीं हल्का हल्का मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे और ये भी मेरा गो टू पैलेट है गाइज बहुत ही अच्छा ब्रॉन्जर है स्विस इस के अभी वाकई बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं गए तो आप ट्राई करना मैं भी ट्राई करके आपको बताऊँगी दिख, दिखाऊँगी ब्लश मैंने के ब्यूटी का यूज़ किया है स्वीट जो है मैट ब्लश और ये मैंने दिखाया नहीं क्योंकि पहले वो टूट गया फिर से आई डोंट नो वाई के ब्यूटी के ब्लशेज टूट क्यों जाते हैं एकदम से गिरते ही टूट जाते हैं तो मुझे चाहिए ऐसा प्रोडक्ट जो टूटे ही ना <laughs> मेरे हाथ से फिसलता रहता है गिरता रहता है अभी बीच में टू फेस का गिर गया था ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ब्रॉन्जर ये नहीं टूटा बट हाँ मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जो यू uh, नो you know, बाहर का जो मटेरियल हो ना वो काफी स्ट्रॉन्ग हो ताकि अंदर के प्रोडक्ट को नुकसान ना हो आई मैं रहने का गाइज और ये मैंने ग्रीन आई की ग्रीन या ब्लू है बहुत ही डार्क सा ब्लू ग्रीन शेड है साइस बट बहुत ही प्यारा है अब देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है वैसे मेरा मन कर रहा था बिल्कुल विंगी बनाने का बट विंगी बनेगा नहीं क्योंकि डिजाइन आ रहा है तो इससे बिल्कुल क्लासिक वाला लाइनर ही ड्रॉ हो पाया मुझसे और यहाँ पे लिपस्टिक के लिए मैंने अप्लाई किया है फिंगर फिंगर कह रही हूं, क्या है ये लिप ब्रश से आ, शुगर वाला शेड ये थोड़ा सा कोरल पिंक शेड है और ये कभी कभार मेरा गो टू हो जाता है क्योंकि बहुत ही प्रिटी शेड है गाइस होता है ना वैसे बोल्ड शेड नहीं है लाइक आई कैन वेयर दिस आई कैन कैरी दिस काइंड ऑफ शेड ऑल्सो डेली वेयर के लिए कभी कभार बट बहुत ही लाइट क्वान्टिटी में जब मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ये शेड हेयर इज़ दी कंप्लीट फाइनल लुक गाइज आई नो ये जो मैंने सर पर पहना हुआ है ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको बट थोड़ा सा मैंने डिफरेंट स्टाइल आपके साथ शेयर किया है आई होप आपको आज का ये मेकअप चैलेंज पसंद आया हो पसंद आया है तो आप ज़रूर जरूर चैलेंज लीजिएगा और करिएगा अपने पेज पे अपने चैनल पर और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी ने नेक्स्ट वीडियो में बाय लव यू गाइज